दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज का डेट है 25th of December। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ये साल काफ़ी यूनिक था सभी के लिए। सो आशा करते हैं कि अगला साल 2021 काफ़ी अच्छा जाए सभी के लिए। सो दोस्तों आ जाते हैं वीडियो आज क्यों बना रहे हम। सो आज का वीडियो काफ़ी यूनिक रहने वाला है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मैं जो है बात करूंगा। काफ़ी लोगों का मुझे टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ मैक्स नॉलेज अगर आप सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अगर डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा मैक्स नॉलेज बोर्ड। इसके ऊपर अगर आप मैसेज करते हो तो वो मुझे पर्सनल आ जाता है। सो इसके ऊपर मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मुझे यही आते हैं कि ट्रेडिंग का एक्यूरेसी वगैरह कैसे बढ़ाना, मतलब मेरा 50% 40% एक्यूरेसी चलता है तो उसको एक्यूरेसी को कितना इम्पोर्टेंस दे। सो एक्यूरेसी को कितना बढ़ाए, जैसे कि 70% 80%। और काफ़ी लोग मतलब आप देखते रहेंगे कॉल्स वगैरह टिप्स प्रोवाइड करते तो वो भी ऐसा ही लिखते हैं कि 90% एक्यूरेसी एंड ऑल। वो तो चलो फंसाते हैं बट उसके वजह से क्या है, साइकोलॉजी बन जाती है कि एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी ऑल दो इम्पॉर्टेंट है बट एक्यूरेसी को ही ज़्यादा ये देना इम्पोर्टेंस वो गलत है दोस्तों। सो टेलीग्राम के ऊपर मैंने अभी पोस्ट किया था, अगर आप देखोगे तो मेरा दिसंबर का FNO ट्रेड्स का एक्यूरेसी जो है वो 44% ऑलमोस्ट थी। आप मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर भी। सो यहाँ पे अगर देखो तो 45% एक्यूरेसी। व्हाट डू यू थिंक नेट मंथ रिजल्ट, नेट मंथ के रिजल्ट जो है वो क्या आएंगे। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अपनी पब्लिक स्मार्ट है। मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए थे स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो इसके वजह से मैं भी वो 10% के ऊपर बोल रहे हैं मैक्सिमम लोग। पता नहीं ये कितने लोग अचीव करते हैं, करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, मैक्सिमम लोगों को पता है। बट मुझे जो सवाल आते हैं टेलीग्राम के ऊपर, काफ़ी लोग यही पूछते हैं कि एक्यूरेसी वगैरह कैसे बढ़ाना चाहिए ऐसा वैसा। अगर हम कोई मेंटरशिप भी लेते तो उसके लिए भी वही पूछते हैं कि आपके सिस्टम का एक्यूरेसी वगैरह कितना है ये वो सब। ठीक है, काफ़ी लोगों ने मैक्सिमम कमेंट यहीं पर किया है। बट अगर आप उसके बाद अगर देखोगे तो मस्ट बी इन लॉस एंड देन ब्रेक इवन और इसको भी लेस देन 10% भी कमेंट किया हुआ है। सो वही जो है दोस्तों हम डिस्कस करेंगे क्या एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए, प्रॉफिटेबल अगर बनना है आपको नेट मंथ के अंदर। ठीक है, सो वो डिस्कस करेंगे। ये मेरा ऑप्शंस का अकाउंट है, इसके ऊपर मैं ऑप्शंस इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। सो इसके PNL रिपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। सो मैंने यहाँ पे जो है 1 December से 31st 25 भी कर सकते बट वो एक ही दिखाएगा। सो यहाँ पे FNO करते हैं और मैं इसके अंदर व्यू करता हूँ। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि अपने लॉस एंड प्रॉफिट डेज कितने हैं। अगर आपको दिखाऊँ मैं तो सो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 18 में से 10 आप अगर देखोगे तो लॉस मेकिंग डेज है। सो हम जो है यहाँ पे कैलकुलेटर लेते हैं दोस्तों। ऑल दो मैंने एक्यूरेसी कैलकुलेट किया, आप पॉज करके यहाँ पे देख भी सकते हो 10 out of 18। ठीक है, सो यहाँ पे -1 करता हूँ तो एक्यूरेसी जो है अपनी 0.44 है। दैट मीन्स 44 ऑफ टाइम्स अवर ट्रेड्स आर करेक्ट। स्टिल अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे तो अपन प्रॉफिट में है, दैट इज 87,700। इसमें 8,000 के अराउंड कुछ चार्जेस लगे, सो 80,000 के अराउंड नेट प्रॉफिट है। सो इसके अंदर अगर देखोगे दोस्तों तो 4 lakh का अकाउंट है, 75,000 ऊपर जो है वो प्रॉफिट का बता रहा है। तो मैं इसको कंपाउंडिंग वगैरह भी करता हूँ, मान लो अगर ये 5 lakh भी हो जाते तो अभी जो है मैं 1 lakh के लिए 1 lot से करता हूँ, जैसे 4 lakh के लिए 4 lot करता हूँ। सो अभी ये 5 lakhs होता है तो मैं इसको कंपाउंड करूँगा और 5 lakh से ट्रेडिंग चालू करूँगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ आई कंपाउंड। अगर 5 lakh से ड्रॉडाउन के नीचे भी आता है तो मैं इसका लॉट जो है वो कम करता हूँ। कंपाउंडिंग भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अगर इसके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हो तो मुझे बोलो एक बार, हम वो भी बनाएंगे। सो आ जाते हैं PNL के अंदर। सो PNL के अंदर देखोगे दोस्तों एक बात जो है, कभी भी एक्यूरेसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं करती है। ऑल दो एक्यूरेसी मैटर करती है, ऐसा नहीं कि बहुत घटिया है। और ये 44% भी काफ़ी डिसेंट एक्यूरेसी है अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो। सो मेरा एक है दोस्तों, मैं जो लॉसेस करता हूँ वो लिमिटेड रखता हूँ 20,000 तक मेरा जो रिस्क कैपिटाइट है। अगर आप देखोगे तो लॉस में आपको 20,000 से ज़्यादा कुछ भी लॉस नहीं दिखेंगे। ऑल दो 20,000 आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बढ़िया अमाउंट है बट मैं ट्रेड करता हूँ, मेरी साइकोलॉजी माइंडसेट उसके लिए प्रिपेयर्ड है। मैं प्रॉफिट भी करता हूँ तो फिर 20,000 से बड़े ही करता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये एक फॉल आया था, यहाँ पे हमारा 1 lakh के अराउंड प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 13, उसके बाद 20। और लॉसेज जो है वो लिमिटेड रखता हूँ मैं।
वो जो फॉल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दिन के ऊपर सभी को पता रहेगा कि बैंक निफ्टी काफी अच्छा सा फॉल किया था ये लेवल ब्रेक करते। अगर आप देखोगे तो ये हमने 1000 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए थे, इसके लिए वो प्रॉफिट उतना बता रहा है। ऑल दो अगर वो नहीं रहता था तो हम जो है ब्रेक इवन या फिर माइल्ड प्रॉफिट में रहते थे। बट एनीवे जो भी मार्केट देता है वो एक्सेप्ट करते हैं अपन। सो अगर आप नेट यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो मैं ब्रोकरेज माइनस करता हूँ दोस्तों, 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 20% के अराउंड हमने प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया है इस मंथ में। अगर ये ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो 4 ट्रेडिंग डेज अभी भी पेंडिंग है, उसमें कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो 20% हमने बनाया। अगर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट सेव करना है तो मैं लॉट भी कम कर सकता हूँ 3-4 दिनों के लिए, वो डिपेंड करता है। साल काफी अच्छा गया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। और एक जाते जाते बात करूंगा दोस्तों, मैं काफी लोगों को प्रॉब्लम आता है कि ओवर ट्रेडिंग वगैरह जो करते हैं उनको काफी इशू आता है, रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह। मतलब एक दिन में अगर कुछ लॉस होता है तो वही उसी दिन वो रिकवर करने के लिए काफ़ी जो है ट्रेड्स ले लेते हैं। अगर वो फोर्स ट्रेड भी हो जाते हैं तो उसके अंदर लॉसेस और बढ़ने के चांसेस काफ़ी होते हैं। सो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप जो है ऑलमोस्ट सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करो। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग बोल सकते हो। रूल मतलब अभी कैसे डिफाइन करना, मैं अभी एक स्ट्रैटेजी दे देता हूँ। सो अभी अगर ये देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट है हाफ एन आवर का। हाफ एन आवर में आपको क्या करना है, सो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट जो कैंडल है उसका हाई एंड लो आपको मार्क करना है, ठीक है। हाई एंड लो मार्क करते हो, इसके बाद जो है आपको क्या करना है, 5 मिनट्स के ऊपर आना है। और यहाँ पे जो है ब्रेकआउट अगर देता है अपसाइड क्लोजिंग कोई भी कैंडल करती है तो आपको जो है एंट्री लेना है। अपसाइड ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए, डाउनसाइड अगर ब्रेक करता है तो डाउनसाइड के लिए, ठीक है। स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। स्विंग लो मतलब मैग्नेट हटा देते हैं, स्विंग लो मतलब आप देख सकते हो इन केस यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। और जितना आपका रिस्क आ रहा है उस हिसाब से आप 1 लाख के लिए 3000 कुछ यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस के अंदर अगर कर रहे हो तो यहाँ पे 1500 के अंदर कर सकते हो, ठीक है। और ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको एट द एंड ऑफ द डे राइड करना है, जो भी प्रॉफिट लॉस मिले। स्टॉप लॉस आपको मूव अच्छा आता है तो फिर ट्रेल करते आना है जैसे कि ऐसे, ठीक है। ये केस देखोगे बाद में, अगर आप देखोगे इसको हटा देते हैं। अभी ये इसका पिछला कैंडल देखोगे आप तो यहाँ पे एक फर्स्ट हाई एंड लो मार्क किया हमने, ठीक है। 5 मिनट के ऊपर आए आप इसके, 5 मिनट के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इसने क्लोजिंग दी थी नीचे, तो आपकी एंट्री जो है यहाँ पे आती है, करेक्ट। यहाँ पे एंट्री आने के बाद स्विंग हाई जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ये अच्छा सा फॉल किया था। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप यहाँ पे निकल जाते हो या फिर यहाँ तक रुकते हो। यहाँ तक रुकने वाले काफ़ी एक्सपीरियंस रहते हैं, मतलब काफ़ी इसको इमोशंस काफ़ी कंट्रोल में करना आना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिप लगा है उसके बाद ऊपर आया। सो ये डिप और ये देख सकते हो आप 200-300 पॉइंट है। सो इसमें धड़कने जो है काफ़ी बढ़ती है, तो ट्रेंड फॉलो करना, एक बार आदत लग जाए आपको स्विंग हाई जो रहते हैं वो स्टॉप लॉस ट्रेल करते आने चाहिए, ठीक है। सो ये तो मैंने रफ सिस्टम आपको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो आप वो बताया। आप अपना कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रैटेजीज, यूट्यूब के ऊपर लाखों स्ट्रैटेजीज पड़े हुए हैं दोस्तों, एक ही सिस्टम फॉलो करो। इसके अंदर से आपको जो है ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग ये सब चले जाता है। आपके पास एंट्री एग्जिट रूल्स वगैरह सब फिक्स होते, तब आपको पता रहता है कि कब और कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा रिलेटेड टू एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के ऊपर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड आप मेंटेन करिए मिनिमम 1:2। आप देखो अगर 1:2 के साथ आपका 50% भी एक्यूरेसी होता है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। धीरे धीरे फिर एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हो जितना प्रैक्टिस करोगे, बट ट्राई की 1:2 एटलीस्ट फॉलो करो। ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं है, बट आप ट्राई कर सकते हो। अगर ये अचीवेबल रहेगा तो नेट प्रॉफिटेबल बनना काफ़ी इजी रहेगा। सो यस, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।